मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग को लेकर किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो राज्य सरकार ने काफी इंतजार के बाद 24 जून से मूंग की खरीद शुरू की, जो 31 जुलाई तक चलेगी। फिर मूंग खरीद की मात्रा प्रति हेक्टेयर 8 क्विंटल तक सीमित कर दी है, जबकि कई जिलों में मूंग की पैदावार 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। ऐसे में किसानों की पूरी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बिक पाएगी और उन्हें खुले बाजार में उपज बेचनी पड़ रही है, जहां मूंग का दाम MSP से नीचे चल रहा है। मूंग का MSP 8,558 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि मंडियों में मूंग का भाव 6 से 8 हज़ार प्रति क्विंटल के बीच मिल रहा है। वहीं केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मूंग का औसत खुदरा मूल्य 118 रुपये प्रति किलो के आसपास है, जहां किसानों को मूंग का भाव 60 से 80 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। वहीं बाजार में आम उपभोक्ताओं को मूंग 120 से 150 प्रति किलो के रेट पर खरीदनी पड़ रही है। देखिए, सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है और लगातार किसानों के अहित में क्या हो सकता है वो करने के लिए सबसे अग्रिम पंक्ति में आके खड़े हो जाती है। मध्य प्रदेश में जो किसान है, प्रति एकड़ उसकी मूंग की खरीदी जो है वो 6 से 7 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से हुआ करती थी, और ये आज से नहीं, कई वर्षों से हो रहा है। मोहन सरकार आते ही उसमें कटौती करके 3 क्विंटल कर दिए पर एकड़। तो आज किसान जाएगा कहाँ? और उस समय जब मध्य प्रदेश का व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री के रूप में काम कर रहा है, आपने तो वादा किया था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, और हाल ये है कि आप उनकी आय जो है आधी से भी कम करने पे आमादा हैं। तो मैं समझता हूँ कि मोहन सरकार को तत्काल ये आदेश वापस लेना चाहिए और किसानों की प्रति एकड़ मूंग खरीदी 7 क्विंटल से 8 क्विंटल जो पहले थी उसे यथावत रखना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेती है, चाहे गेहूं खरीदी रही हो, मूंग खरीदी हो, सभी मामले में सरकार द्वारा किसानों के हित में निर्णय लिए गए हैं। और जो भी निर्णय लिए गए हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मूंग खरीदी के मामले में, ये सरकार की रिपोर्ट के आधार पर और किसानों से, उनके संगठनों से चर्चा के आधार पर लिए गए हैं। अगर भविष्य में किसी तरह के कोई परिवर्तन की आवश्यकता होगी तो किसान हित में वो भी किए जाएंगे। जो भी निर्णय होंगे हमेशा किसानों के हित को सर्वोपरि रखा जाएगा।